कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। मेटल बाजार के बारे में आज बात करेंगे, जानेंगे क्या कीमतें देखी जा रही हैं। हफ्ते की शुरुआत है, आज हफ्ते का पहला दिन है, जानेंगे क्या रेट देखे जा रहे हैं एल्युमिनियम से इसमें, दिल्ली के बाजार में स्पॉट मार्केट में, मुंबई के बाजार में स्पॉट मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको इस चीज के बारे में विस्तार जानकारी देंगे। इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो मेटल के बाजार के बारे में बात करते हैं। चाइना का बाजार खुला है हॉलीडेज के बाद, एक हफ्ते की छुट्टी के बाद, 10 दिन की छुट्टी के बाद चाइना का बाजार आज खुला है, तो उस चीज का आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज सुबह बाजार खुलने के साथ हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा सकती है। सबसे पहले एलमी के बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। 8,419 रुपए करेट एलमी में, 719 रुपए 45 पैसे करेट M6 में चल रहा है। एल्युमिनियम के बाजार में 212 रुपए का रेट एलमी में, 198 रुपए 55 पैसे कीमत कॉमेक्स में है। लेट के बाजार एमसेक्स में है, लेट के बाजार में 2050 रुपए का रेट एलमी में, 177 रुपए 85 पैसे कीमत एमसेक्स में। जिंक के बाजार में 2181 रुपए का रेट एलमी में, 214 रुपए 25 पैसे कीमत एमसेक्स में देखी जा रही है। गोल्ड यानी सोने के बाजार में 2017 रुपए का रेट चल रहा है कॉमेक्स में, 62,036 रुपए का रेट एमसेक्स में है। सिल्वर के बाजार में 23 रुपए 50 पैसे की कीमत कॉमेक्स में और 71,587 रुपए का रेट एमसेक्स के बाजार में देखा जा रहा है। क्रूड ऑयल के मार्केट में आप 77 रुपए 30 पैसे का रेट देखकर चल सकते हैं। कॉमेक्स में 6,470 रुपए पर एमसेक्स में कामकाज हो रहा है। अब दिल्ली के बाजार में कैसा कामकाज देखा जा रहा है, स्पॉट मार्केट में क्या कीमतें देखी जा रही है, आपको उस चीज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको मेटल बाजार से जुड़ी जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की रेंज, मार्केट का प्रेडिक्शन और मार्केट में किस तरह से कारोबार देखा जाएगा, सारी आपको अगर आप जानकारी चाहिए तो आप हमारा मॉर्निंग में होने वाला 9:30 लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे ये लाइव सेशन होता है और मार्केट में आपको पूरी जो मार्केट से जुड़ी जानकारी है इस लाइव सेशन में दी जाती है, तो उसे ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब दिल्ली के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं, तो दिल्ली के मार्केट में बहुत ज्यादा बाजारों में गिरावट दर्ज नहीं करी गई है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आपको आज के दिन देखने को मिल सकती है दिल्ली के मार्केट में। कॉपर में कॉपर सुपर एचडी का रेट बाजारों में 775 है, कॉपर केबल्स की कीमत 725 है, कॉपर आर्मेचर का जो रेट रहा है वो 740 रहा है। एल्युमिनियम पुर्जे कीमतें बाजारों में 172 देखी गई हैं। जिंक के बाजार में जिंक हिंदुस्तान का रेट आप 220 देखकर चल सकते हैं। लेड के बाजार में कीमतें 170 हैं। एलआईबीटी के बाजार में 195 रुपए का रेट देखा जा रहा है। बैटरी स्क्रैप कीमतें बाजारों में आपको यहां से 95/115 देखने को मिल सकती है। निकल का जो रेट रहा है वो 1390 रहा है। पीतल कीमतें 495 रही है और इसके अलावा टिनागे का रेट आप 2435 देखकर चल सकते हैं और एसएस बर्तन स्क्रैप में 64 रुपए का रेट बाजारों में आपको यहां से देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट में जो ट्रेंड रहा है बाजारों में वो बहुत ज्यादा गिरावट के साथ देखा नहीं गया है। अब इसके अलावा दिल्ली के बाजार के बाद मुंबई के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं, तो कॉपर में कॉपर जो केबल स्क्रैप का रेट रहा है मुंबई के स्पॉट मार्केट में 719 है। कॉपर आर्मेचर कीमतें 703 है। ब्रास स्क्रैप का रेट 483 है। एल्युमिनियम स्क्रैप कीमतें 162 रही है। जिंक के बाजार में जिंक इंगट का रेट 214 रहा है। लेड कीमतें 183 रही है। टिन इंगट का रेट 2459 रुपए आप देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड बाजारों में आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, ट्रेंड बाजारों में पॉजिटिव हो सकता है। आज सुबह बाजार खुलने के साथ प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। आप ट्रेडिंग रेंज के बाजार के बारे में बात करते हैं, तो कॉपर में सपोर्ट का अच्छा लेवल 738 है, रेजिस्टेंस लेवल 745 है। लेड के बाजार में सपोर्ट अच्छा 176 है, रेजिस्टेंस लेवल 178 चल रहा है। जिंक के बाजार में 218 रुपए का अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल 226 चल रहा है। निकल के बाजार में 1355 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल 1395 है। ओवरऑल मार्केट में आपको आज का ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। सुबह की शुरुआत बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग के साथ हुई है, हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। आने वाले टाइम में मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।